हरिओम। आज 28 तारीख है सितंबर 2024। भगवान कृष्ण अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। अब अर्जुन के मन में ये भाव है कि अगर युद्ध में जय लाभ नहीं करेंगे तब तो पाप का ही भोग करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में जो भोग है, जो पृथ्वी का भोग तो नहीं कर पाएंगे, फिर दुख होगा। और अगर हम युद्ध करेंगे तो भी पाप होगा। इसीलिए एक बैलेंस जो है वो हो नहीं पा रहा है। युद्ध के द्वारा हम लोगों को धर्म न करके पापी तो होगा। युद्ध कैसे धर्म युद्ध हो सकता है? ये अर्जुन के मन में प्रश्न है। हम भी अपने जीवन में जब काम करते हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, जैसे कभी लगता है कि गांव में है या परिवार में है या देश में क्या करना चाहिए। जैसे देश के साथ गद्दारी करते हैं लोग, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या धर्म है और अधर्म, ब्लॉक माइंडेड है। उसी को ही सोचते कि ये ठीक है, मगर कर्मफल तो मिलेगा ही। तो अर्जुन के मन में भी यही है। तो भगवान कहते, देखो तुमको समान भाव से करना है युद्ध, और यही युद्ध तुम्हारे लिए स्वधर्म है। तुम्हारा स्वधर्म है और धर्म युद्ध है ये। इसी से तुमको पाप नहीं मिलेगा। तुम जो सोच रहे हो युद्ध करने से पाप होगा, मारने से पाप होगा, नहीं, ये तुम्हारा स्वधर्म है और ये धर्म युक्त युद्ध है। इसलिए धर्म क्षेत्र, ये भगवान कह रहे। श्री भगवान उवाच 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसे। देखो, ये जो सुख दुख, ये द्वंद्व है। मन का धर्म है, मन में ही सुख दुख होता है। रियली देखा जाए, ये जो सुख दुख है मन का लक्षण है। अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। जब मन में अनुकूल भावना आती है तो सुख होता है, परिस्थिति वही होगी, मगर मन में अगर अनुकूल नहीं है तो दुख होगा। लाभ अलाभ, लाभ अलाभ मीन्स गेन एंड लॉस। इस चीज को प्राप्त करना, अभी राज्य प्राप्त करना, राज्य हरना, हारना न प्राप्त करना। हम लोगों के दृष्टि से वस्तु प्राप्त करना, नहीं प्राप्त करना। जय अजय, विक्टोरी, विन एंड डिफिट, अर्थात ये पूरा माने टॉपिक भी है, इसी को ही लेकर है। तुम जो जय और अजय पराजय के बारे में तुम सोचते हो, इसको तो समान भाव से सोचो। मन को इतना डावाडोल मत करो। एक बार तुमने समझ लिया ठीक से सुख दुख जय पराजय आदि, एंड युद्धाय तथा युद्धाय युज्यस्व, तुम्हारा मन जब युद्ध में रहेगा तो पापम न वापससि, पाप नहीं होगा। ये देखो, ये कर्मयोग का गेटवे, कर्मयोग के प्रवेश करने के लिए रास्ता। नेक्स्ट श्लोक से कर्मयोग शुरू हो जाए। अभी भगवान कर्मयोग नहीं बताया, तत्व आत्म तत्व बताया एवं स्वधर्म आदि बताया, व्यवहार ट्रांजेक्शन वर्ल्ड बताया, पर कर्म योग मैंने रील में भी बताया कि जो इंस्टाग्राम में पोस्ट किया है, कर्म और कर्मयोग में क्या फर्क है वो भगवान कल बताएंगे। अभी कर्म योग का इतना ही नियम है, इतना समझ ले जो 38 में है। मन को समान रखो, परिस्थिति आएगी, अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति। ज्यादातर क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति में ना हम
जंप करते हैं, कूदते हैं, हाय हाय जय करते हैं, और जो प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर है, पहले भी सेंचुरी बनाया है, नाम भी है, लोग भी पूरा झाड़ पर चढ़ा देते हैं, तो ऐसे ही ऐसे ऐसे करके वार्म अप करके जाता है, आकाश को देखता है, इधर उधर देखता है, सोचता है इस बार भी मारूंगा, पहले ही बॉल पे आउट हो गया। जो इधर उधर देखता था और नहीं देखेगा पूरा मुंह में, क्योंकि हाय हाय करके आएगा, सब मुर्दाबाद आएगा, चप्पल भी फेंका जाएगा मुंह। इसका क्या हुआ, जय और पराजय में मन शांत नहीं रहा, मन स्थिर नहीं रहा, मन क्या हो गया, विक्षेप हो गया। इसलिए मन को शांत करो, हर कोई परिस्थिति में युद्ध करो, देखोगे पाप नहीं होगा, क्योंकि तुम कर्मयोग में ही प्रवेश कर रहे हो। अर्जुन, जब मन को समता में रखो, इक्विलिब्रियम द माइंड, बहुत सुंदर, इसे को योग कहेंगे। आगे चलते हैं, अभी तक तो इतना ही तक रखते हैं, फिर बाद में हम लोग कल देखेंगे उसके बाद भगवान कर्मयोग में कैसे प्रवेश कर रहे हैं।